ऑल इंडिया लीगल एड फोरम ने प्रेस क्लब कश्मीर में चीका दे रोड ऑफ बोनस की किताब की रस्म रोनमाई। किताब में अजीम रहनुमा नेता जी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत किया गया है पेश। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि ऑल इंडिया लीगल एड फोरम ने अजीम रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक किताब चीका रोड ऑफ बोनस नामी लिखी और प्रेस क्लब कश्मीर में रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। किताब सुभाष चंद्र बोस की आखिरी मंजिल पर मुश्तमिल है। मुस्निफ ने यह बात साबित करने की कोशिश की कि बोस 18 अगस्त 1945 के बाद सोवियत यूनियन मौजूदा रूस में बहुत ज़्यादा था और वहां पर पना लेने के बाद इन्हें ओम्स्क शहर के यकतुस्क जेल में बंद कर दिया गया और वहां सोवियत फौजियों और केजीबी के हाथों से मारा गया। मुस्निफ ने तमाम अफराद खासकर सुभाष चंद्र बोस को चाहने वालों से दरख्वास्त की कि वो मरकजी हुकूमत से अपील करे कि वो रूस हुकूमत के साथ बैठकर अजीम लीडर सुभाष चंद्र बोस की आखिरी मंजिल की हकीकत को जाहिर करे। रौनक टाइम्स के लिए श्रीनगर से लवली शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं मलिक रूप। लास्ट कमीशन जो हुआ जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन 1997 में उन्होंने जो फाइंडिंग्स किया 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट का पास, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में कोई डेथ नहीं हुआ, उनका डेथ कहां पर हुआ और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी है इसको बाहर करने के लिए। जो मेरा जो फाइंडिंग्स है, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति साइबेरिया रशियन डिटेंशन सिटी में जो यास्कूब जेल है वो जेल का कुटी में ही उनका डेथ हुआ और उनका बॉडी उधरी जो रोड ऑफ बोन्स है उधरी उनका बैरियर कर दिया था। जो प्रूफ मैं मेरा किताब में डाला था, डाला इसमें मैं बोल दिया सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच अलाइव आफ्टर 1945 18 अगस्त सोपल प्लेन। He was in Russia in 1953 after the death of Stalin. He was put behind the bar in the Soviet Russia and he subsequently, as per age, he died in the Russia. And the Cheka means the process of the torture of the KGB and the rota bones after Second World War. The jitna war prisoners ko Siberia mein rakha gaya tha aur ye Russia ka jo जितना साइबेरिया का वॉर प्रिजनर्स थे साइबेरिया जेल में उसको डेथ का ओपोर उनका जो बॉडी का ओपोर वैलियन करने का बाद जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ वो रोड का नाम है रोड ऑफ बोन्स। यू कैन सर्च इट इन गूगल आल्सो व्हिच इज रोड ऑफ बोन्स। तो मेरा किताब का नाम है चेका एंड द रोड ऑफ बोन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक जितना फाइल डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए 41 का पास डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए फाइल, ये फाइल अभी तक डिक्लासिफिकेशन नहीं हुआ। नंबर टू, आजादी फौज का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का इंडिपेंडेंस में, मैं एक बात आपका मीडिया का तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि इफ सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच अलाइव इन 1947 इंडिया वुड हैड नॉट बीन पार्टीशन। ये जो बाटवारा हुआ था पाकिस्तान इंडिया 1947 में, सुभाष चंद्र बोस रहते थे तो ये बाटवारा नहीं होता। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जो आज़ादी को सुभाष चंद्र बोस जो गठन किया था इसमें हिंदू मुसलमान ईस्ट जैन सिखाई सब आदमी थे और ऐसा सेकुलर आर्मी अभी तक इंडिया में कभी नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में, इसलिए मेरा एक कोशिश एक किताब को मैं आज इधर कश्मीर में उद्घाटन करने के लिए सबको निमंत्रित किया।